क्वेश्चन 2018 का सवाल है क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज टू द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड मिरर इनवर्स बाय सिल्वर कोटिंग बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम द अदर फेस विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर पाथ इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द प्रेज इज और हमारे ऑप्शन है जीरो थर्टी फोर्टी फाइव या फिर सिक्सटी डिग्री ना बहुत ही सिंपल सवाल है सिचुएशन यहाँ पे समझना कि ये अपना प्रेज है लाइट ये अपना स्नैरियो कि अपना प्रेज है ये आपका एंगल थर्टी है और मान लीजिए ये वाली साइड आपने सिल्वर कर दी है तो अब जो आपकी रे है वो यहाँ से ये इसका पहले एक नॉर्मल बना लेते हैं सो ये आपका नॉर्मल है यहाँ से आपकी आई एंगल पे इंसिडेंट है ये रे उसके बाद ये रे गई इस पर टकराई और टकरा के वापस अपना उसने पाथ रिट्रेस कर लिया ना अगर कोई भी रे अपना पाथ रिट्रेस करेगी यहाँ से पॉसिबल था रिफ्लेक्ट होके इधर इधर या इधर या ऊपर कहीं चली जाए लेकिन अगर पाथ रिट्रेस कर ले तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा तो so ये 90 का एंगल से यहाँ पे अप्लाई करनी है so अगर ऐसा हो कि ये आपका 60 डिग्री का मान लीजिए एंगल हुआ तो ये वाला अगर आपका एंगल ऑफ ये 60 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट ये ध्यान रखना यहां पे लोग ये गलती कर देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है सिक्सटी नहीं वो ये वाला एंगल है बिकॉज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हम नॉर्मल से लेते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका थर्टी डिग्री हो गया बस अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ की वैल्यू वो लिखनी है। तो, है, है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाहर आपका एयर है ये मटेरियल आपका रूट टू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एयर यानी कि वन डॉट साइन आई विल बी इक्वल टू इसका रिफ्कटिव इंडेक्स रूट टू मल्टीप्लाइड बाई साइन सिक्सटी डिग्री विच एम्प्लाइज आपका साइन आई जो है उसकी वैल्यू हो गई रूट टू मल्टीप्लाइड बाई एक मिनट साइन 60 नहीं सॉरी साइन थर्टी आएगा साइन uh, थर्टी हो जाएगा वन बाय टू यानी कि वैल्यू हो गई वन बाय रूट टू विच एम्प्लाइज एंगल आई हो गया आपका फोर्टी फाइव डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा फोर्टी फाइव डिग्री होना चाहिए विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर